बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी प्रोग्रामिंग मेथड से। क्लासेस और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम लोग बेसिकली क्लासेस क्या होती है, मेथड होता है, एक तरीका होता है कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर अपने काम को आसान बनाने के लिए क्लासेस को यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसमें क्लासेस में ये करते हैं कि एक क्लास क्रिएट करते हैं, और क्लास क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो जैसे हम पुराने प्रोग्राम में लिखते हैं, हम पहले लिखते थे हेडर फाइल, और हेडर फाइल लिखने के बाद हम इस तरह से इंट मेन प्रोग्राम लिखा करते थे, ये वाला इस तरह करके, ठीक है। अब लेकिन हम क्लासेस में इस तरह नहीं करेंगे, हम क्लासेस के अंदर जो है वो हम लोग क्लास को प्रॉपरली बनाएंगे और उसमें क्लास का एक नाम लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट से उस क्लास को कॉल करेंगे। क्लास के लिए सबसे ज़रूरी ये है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्लास के जो पार्ट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर उसके अंदर होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। उसके साथ क्लास के अंदर जो होते हैं हमारे पास दो तरह के डाटा आ सकते हैं, आ सकता है डाटा मेंबर्स आ सकते हैं और मेंबर फंक्शंस आ सकते हैं। मेंबर फंक्शन क्या है कि वो फंक्शन जो फंक्शन हम बनाते हैं और उस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं अपने मेन प्रोग्राम में, वो उस तरह के फंक्शन। और उसके अलावा जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और इसमें जो हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, जो वेरिएबल्स हम फंक्शन में यूज़ कर रहे होंगे एज ए पैरामीटर। और एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होंगे, एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो पब्लिक प्राइवेट होंगे। ज़्यादातर प्राइवेट में हम वो डाटा मेंबर्स रखते हैं कि जिसको हमने सिर्फ विद इन दी क्लास यूज़ करना होता है, वो क्लास से बाहर यूज़ नहीं होंगे। और पब्लिक में हम वो वाले डेटा मेम उसको पब्लिक में हम मेंबर फंक्शन को रखते हैं, क्योंकि मेंबर फंक्शन हम बाद में यूज़ करते हैं अपने क्लास के बाहर। क्लास के बाहर हमने अगर किसी भी मेंबर फंक्शन को यूज़ करना हो तो हम उसको कॉल करते हैं, कॉल हम करते हैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल है क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट को हम क्लास का नाम लिखते हैं जो हमारी क्लास है, और क्लास का नाम लिखने के बाद स्पेस देते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी हम ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं, और उसके बाद हम सेमी कॉलन डालते हैं, और उसके बाद जो है हम फिर ऑब्जेक्ट से कॉल किस तरह करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और उसके बाद डॉट लगाया और फिर जो ऊपर हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को लिख दिया, इस तरह से ऊपर फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। इससे हमारी मेमोरी भी बचती है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तभी मेमोरी जो है कंज्यूम होती है, क्योंकि द मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड अ मैं इसके यहाँ लिखता हूँ इंस्टेंटिएटिंग इसको हम कहा जाता है, जो प्रोसेस होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ये मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हो सकता है मैं सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बाय इंस्टेंटिएटिंग ये हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का प्रोसेस का ये भी नाम है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका एमसीक्यूज में भी ये बात आ सकती है। इसी तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंस भी हम कहते हैं, ठीक है जी। इंस्टेंस ये स्पेलिंग, ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी कहते हैं, ये हो गई एक बात। अच्छा जी, इसके बाद मेंबर फंक्शन डिफाइन इन अ क्लास। अच्छा जी, अब हमने ये चीजें देख ली, अब हम एक प्रोग्राम करने लगे हैं। पहले मैं प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखता हूँ, उस प्रोग्राम से अब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ प्रोग्राम की, कमेंट बनाने के लिए हम इस तरह यूज करते हैं। हाँ, राइट अ प्रोग्राम
C++ by using a class. पेपर में वो आपको बताएगा कि आपने ये क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करके ये प्रोग्राम करना है, तो इसलिए आपको इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या आपको पता होगा कि नहीं पता होगा. अ क्लास टू इनपुट टू वैल्यूज यूजिंग मेंबर फंक्शन. अच्छा, कल हम अगर हम एक क्लास करेंगे, वो क्लास जो होगी हमारी, वो हम सारे बच्चों से पूछ लेंगे कि भाई तुम जो कब किस टाइम अवेलेबल हो, तो उसके उनकी अवेलेबिलिटी पे देख के हम कल की क्लास जो है वो फिर रखेंगे, क्योंकि ये हमें कोर्स तो कंप्लीट करना है. बाकी आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें, कोई मसला है, कोई इशू हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं. Using a member function of a class, display the sum of two values by using another मेंबर फंक्शन. ठीक है जी, ये हो गया. अब इसके बाद मैं प्रोग्राम लिखता हूँ. प्रोग्राम बड़ा सिंपल है, उसी तरीके से लिखा जाता है. हेडर फाइल में कोई इजाफी हेडर फाइल नहीं लिखी जाती, जिस तरह हम प्रीवियस पहले काम करते रहे उसी तरीके से हेडर फाइल होगी इसमें भी. अब इसको मैं यहाँ अनकमेंट कर दूँ जरा, ये हम इसको अनकमेंट करते हैं. ठीक है जी, अब मेरी हेडर फाइल आ गई. अच्छा, हेडर फाइल में ये मैं आपको साथ साथ अभी हेडर फाइल के बाद बताता रहूँगा कि किस तरह से ये हम करते हैं. और स्ट्रीम इंक्लूड कोनियो क्लास बना रहे हैं हम लोग ऐड की. अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं. बेसिकली इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम लोग दो वैल्यूज एज ए मेंबर फंक्शन के तौर पे इनपुट लेंगे वैल्यूज, और उसके बाद डिस्प्ले करेंगे सम टू वैल्यूज का, और बाय यूजिंग अनदर मेंबर फंक्शन. ठीक है जी, एक और मेंबर फंक्शन को यूज करके हम अपना सम डिस्प्ले करेंगे. ठीक है जी, तो हम ये करने जा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम है ये. अच्छा, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है समझने की कि यहाँ पे आपने जो देखना ये है कि क्लास जब हम पहले इस तरह प्रोग्रामिंग करते थे. ठीक है, पहले हम लोग जो है वो मेन इसके हेडर फाइल के बाद लिखते थे इंट मेन फंक्शन. ठीक है जी, अब इसमें हम इस तरह नहीं करेंगे, इसमें डिफरेंट है तरीका. ठीक है जी, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो मेन फंक्शन नहीं लिखना, इसमें हमने सबसे पहले क्लास बनानी है. ठीक है, हम इसमें क्लास बनाएंगे और किस तरह होगा फिर हम उसके बाद जो है वो क्लास को बनाने के बाद उसमें पब्लिक प्राइवेट को लिखेंगे, और पब्लिक प्राइवेट के अंदर हम अपने जो है वेरिएबल और अपने फंक्शंस को स्पेसिफाई करेंगे. उसको करने के बाद हम उसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, उसके बाद जाके मेन फंक्शन लिखते हैं, फिर मेन फंक्शन में जो ऊपर क्लास बनाई है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस क्लास के अंदर जो हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं उसको हम लोग कॉल करेंगे. ठीक है जी, तो यहाँ तक ये सारी कहानी है. लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरे चैनल आईवेक्स टेकिंग सिटीज पे आपको मिल जाएगा लिंक, इसका लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा.
और आप लोग इजीली इसको ले सकते हैं। अभी जो बात आपको नहीं समझ आती वो मुझे काइंडली जरूर बताएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्लास ऐड लिखा, दैट मीन्स ये क्लास बन गई। क्लास बनाने के लिए उसका कीवर्ड लिखा क्लास, और उसके साथ ऐड लिखा। ऐड का मतलब ये होता है कि मैं ऐड के नाम की क्लास बना रहा हूँ, और यहाँ पे ये देखिए मैंने ब्रैकेट डाली, ऑटोमेटिकली ब्रैकेट इन ब्रैकेट आउट, और ये सेमी कॉलन भी डल गया साथ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मुझे क्या लेना होता है, मुझे अब इसमें अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। अब मैं इधर वेरिएबल ऐसे नहीं लिख सकता, वेरिएबल लिखने के लिए मुझे एक प्राइवेट लिखना पड़ेगा। प्राइवेट क्या चीज़ है, प्राइवेट जो है वो एक एक्सेस स्पेसिफायर है। इस तरह एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, उसके साथ कॉलन डालते हैं। अच्छा, उसके बाद अब मैं अपने लिखूंगा वेरिएबल, ठीक है। इसमें कोई स्पेस का भी चक्कर नहीं होता, ठीक है, इधर से मैं इस तरह करके, ठीक है। अब इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है, इंट ए बी, ठीक हो गया। ये हो गया। इसके बाद पब्लिक अभी जरा हम फंक्शन लिखने लगे हैं, सम बना रहे हैं अब हम। ठीक है जी, यहाँ तक ये मैंने लिखी। अब इसमें मैंने क्या क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ जरा सिंपली। इधर तक क्या है जी, पहले मैंने प्राइवेट का एक एक्सेस स्पेसिफायर लिया, उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स को डाला ए और बी। उसके बाद मैंने एक पब्लिक के नाम का एक स्पेसिफायर बनाया, उसमें मैंने एक फंक्शन लिखा। अब ये वाला जो फंक्शन मैंने लिखा है ये वैल्यू को इनपुट करने के लिए लिखा है, ठीक है। जो वेरिएबल मैंने प्राइवेट में लिए हुए उन वेरिएबल को यूज करके एक फंक्शन बनाएगा जिसके अंदर मैं वैल्यू को इनपुट में लूंगा, ठीक है जी। इनपुट के नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है जी। उसके अंदर मैंने क्या रखा, उसमें मैंने रखा जी दो इंटीजर वैल्यू इनपुट होंगी, और वो ए और बी में जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया सम के नाम का, और उस फंक्शन सम के नाम के फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि जो ए और बी है उसको प्लस करके जो आंसर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना है। तो यहाँ तक तो ये मैंने एक क्लास क्रिएट अपनी कर दी जिसके अंदर मैंने ये चीजें डाली है। अब इसके बाद मैं अपना मेन प्रोग्राम लिखने लगा। मेन प्रोग्राम लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ void main, int main, जो भी मैं लिखना चाहूँ, ठीक है। मैं वो int main ही कर लेता हूँ, ठीक है जी। int main अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब इधर मैं लिखता हूँ अपनी क्लास का नाम, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मुझे अब ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका मैंने बताया था, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्लास का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है जी। अब मेरे केस में मेरी क्लास का नाम क्या है, वो है ऐड। मैं पहले ऐड लिखूंगा, मेक श्योर कि अगर इस कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल होना चाहिए,
स्मॉल है तो स्मॉल, और ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ ओबीजे रख देता हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगा सेमी कॉलन। अब मैंने जो ये लिखा है एड ऑब्जेक्ट, एड कौन सा है, ये मेरी क्लास है ऊपर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और ऑब्जेक्ट का क्या नाम है ओबीजे, ये लिखने के बाद मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, ठीक है जी। इसके बाद एंटर, और यहाँ पे मैं अब ऑब्जेक्ट के थ्रू ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। तो सबसे पहले मैं इनपुट फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर अपने सम फंक्शन को कॉल करूंगा। मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ ओबीजे डॉट इनपुट, ठीक है जी, डॉट इनपुट ये मैंने लिखा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास जस्ट इनपुट वैल्यूज गेट होंगी यहाँ तक, ठीक है। अब मैं अगर लिखता हूँ ओबीजे डॉट सम, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं दोबारा सेमी को, अब वो सम वाला फंक्शन भी कॉल होगा, गेट सी एच भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है जी, ये प्रोग्राम बन गया है, अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एरर है, क्या एरर, सीन वाज नॉट डिक्लेयर इन थिंग्स को, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, इनपुट वाला, एंटर टू नंबर्स, मैं आपको इनपुट शो कराता हूँ इसका फंक्शन किस तरह काम कर रहा है। ये एंटर टू नंबर्स, मैं दो नंबर एंटर करता हूँ, 7 और 9, ठीक है जी, 16 मुझे उसका सम दे दिया, बेसिक प्रोग्राम है, इस तरह से इसने काम किया है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, आप लोगों को मैं दोबारा प्रोग्राम की आउटपुट थी, ये प्रोग्राम है सारा, एक दफा इसको देखें और मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन करें। जी स्टूडेंट, प्लीज क्वेश्चन कीजिए। जी सलाउद्दीन, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, प्रोग्राम शो नहीं हो रहा, 1 मिनट रुके, अभी होगा जी, अब प्रोग्राम शो हो रहा है, अब आप देखें इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं कहीं से भी। इसको अच्छे तरीके से देख लें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि और हमारे पास इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक और प्रोग्राम है, वो थोड़ा सा लेंथी होगा, एक पूरी एक मेथडोलॉजी होगी उसमें हम यूज करेंगे। बेसिकली इससे अगले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि हम एक क्लास बनाएंगे बुक के नाम की, और उसमें क्या करेंगे, 3 डाटा मेंबर्स रखेंगे, बुक की आईडी, बुक का पेज और बुक की प्राइस। और उसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे हम मेंबर फंक्शन क्या क्या बनाएंगे, गेट का फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू गेट करेगा, शो का फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू डिस्प्ले करेगा, सेट का फंक्शन बनाएंगे जो के वैल्यू को सेट करेगा, सारी डाटा मेंबर्स की जितनी वैल्यूज हैं यूजिंग दी पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद आखिर में हम क्या करेंगे, हम गेट प्राइस का एक फंक्शन बनाएंगे
जो के यूज होगा वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए प्राइस की। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी होगा। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको सारा समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है प्रोग्राम। बेसिकली एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, सम सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसा एक प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। और एक प्रोग्राम कोड होगा जो कि लाइब्रेरी में भी यूज हो सकता है। तो हम इस तरह का कोड बनाएंगे। अच्छा, अभी मुझे बताएं, इसमें कोई आपको इश्यू हो इस प्रोग्राम में तो मुझे बताएं। ये बिल्ड हुआ हुआ है, मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ और ये मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, गूगल पे भी दे दूंगा आपको, गूगल क्लासरूम में भी, और ये मैं वहाँ पे भी दे दूंगा। उसमें जो ग्रुप है, ग्रुप में मैं ऐसे करके दे देता हूँ प्रोग्राम, ठीक है जी। अच्छा, और अच्छा, इसके बाद कुछ छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट हैं। एक है जी डेटा हाइडिंग और एक है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। हम ये पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। उसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो इसी तरीके से डिस्ट्रक्टर हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। इनहेरिटेंस देखेंगे, इनहेरिटेंस के बाद जो है वो हम देखेंगे ये पॉलीमराइजेशन क्या होती है, ठीक है। और ये एक ही दिन में हो जाएगा सारा, ठीक है। और फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये क्या चीजें होती हैं, ये हमने देखनी होगी, ठीक है। आपकी हद तक ये सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ही है, ठीक है। डेटा एडिंग में आपको अभी बता देता हूँ कि डेटा एडिंग क्या चीज होती है। ये लेक्चर आपको व्हाट्सएप पे उस पर मिल जाएगा, गूगल पे। अच्छा, डेटा हाइडिंग बेसिकली जो है वो आपके पास क्या होता है कि एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है जी। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग इस प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग क्लास मेंबर्स क्लास मेंबर्स अगेन इलीगल एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, जैसे प्राइवेट है, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है। ये जो जितने सारे ये हमारे स्पेसिफायर हैं, हम इनको कहते हैं इनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, उसको हम लोग यूज करते हैं कम्प्लीटली, उसमें हम डेटा को अपने हाइड करते हैं, छुपाते हैं, ठीक है जी। तो क्लास मेंबर्स जो होते हैं, जो प्राइवेट से एक्सेसिव स्पेसिफायर से होंगे, वो बाहर यूज नहीं हो सकते। क्लास मेंबर जो कि प्रोटेक्टेड से होंगे एक्सेसिव स्पेसिफायर से, वो एक्सेस होंगे विद इन दी क्लास और फ्रॉम दी ड्राइव क्लास में यूज होंगे। ड्राइव क्लास क्या होती है कि वो हमारी मेन क्लास की ही सब क्लास होती है जो मेन क्लास से बनी होती है। अच्छा, उसके अलावा पब्लिक वाले जो एक्सेसिव स्पेसिफायर होते हैं, वो हर जगह यूज हो जाते हैं। तो डेटा हेडिंग क्या चीज होती है, डेटा हेडिंग बेसिकली हमारे पास यही प्रोसेस होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने क्लास मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं इलीगल एक्सेस, यानी जो पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के एक्सेस स्पेसिफायर बना के उसमें अपना डाटा डालते हैं, उसको क्या कहा जाता है कि यही प्रोसेस जो है ये हमारे पास डाटा हाइडिंग का प्रोसेस है, ठीक है जी। अच्छा, ड्राइव क्लास आपके उसमें नहीं है, आपके कोर्स में, ठीक है, आपके कोर्स में से मेन क्लास तक ही है।
तो लिहाजा हम मेन क्लास ही को फोकस करेंगे, और बाकी इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रुप में बताऊंगा कि नेक्स्ट क्लास हमारी कब एक्सपेक्टेड है, और तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। कोड मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है हम ये क्लास यहाँ पे एंड कर देते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। ठीक हो गया।